हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में बहुत मशगूल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी मेरे किचन में ईद से रिलेटेड ही डिश बनाने जा रही हूँ। और ये एक ऐसी डिश है जो ईद के मेन्यू में बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ किमामी सिवई। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाय किए हुए मैं बनाती हूँ किमामी सिवई। ये हमारे पास आधा किलो बनारसी सिवई है जो इस तरह के बॉक्स में आती है, देखिए। तो सबसे पहले चलिए हमें घी में इसे लाल करना है। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। ये मेरे पास एक बड़ी कटोरी भर के घी है, उसे पूरा डाल देंगे। देखिए, घी को हल्का गर्म किया, उसके बाद मैंने सारी सिवई डाल दी है पतीले में। फ्लेम हाई है, अब इसे हमें घी में भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही लाल रहती है सिवई। देखिए, मैं भी फ्लेम को लो कर लूँगी। देखिए, बीच से हमें इसको तोड़ते भी जाना है इस तरह से। एक चीज का ध्यान रखना है, हमें बराबर इसको चलाते रहना है, वरना कहीं पे कलर डार्क हो जाएगा और कहीं पे लाइट रहेगा। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 50% जो है वो लाल हो चुकी है हमारी सिवई। अच्छा, मैंने इसे चम्मच से ही हल्के के हाथों से इसको तोड़ा भी है, ये देखिए टूट भी गई है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, बस दो तीन बार अगर आप ऐसे चम्मच चलाएंगे तो टूट जाएगी। बीच बीच से मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। एक चीज का ध्यान रखिए, इसे बराबर चलाते रहिए, वरना सिवई का जो कलर है वो इवनली नहीं आएगा, कहीं पर डार्क या कहीं पर लाइट हो जाएगा। देखिए, मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गया है इसे बराबर चलाते हुए। आप इसका कलर देख रहे हैं, सिवई में सब जगह कलर एक जैसा है। ये ऑलमोस्ट हमारी सिवइयां हैं लाल हो चुकी हैं, 80% तक हो चुकी हैं। जो 20% बचा है वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट ऐसे ही आप फ्राई कीजिए, पूरी सिवइयां रेडी हो जाएंगी। मैं इनको थोड़ी देर और फ्राई करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 मिनट मैंने इसे और भूना है, तो तकरीबन सब मिलाकर 12 मिनट तक हाई और बीच में मैंने लो फ्लेम कर दिया। जब देखा तेज हो रहा है आज, तो मैंने लो कर दिया। 12 मिनट लगा इसे भूनने में। अब ये सिवई जो है वो अच्छे से भून चुकी है, देखिए सारा कलर एक जैसा है। आपको इसे प्रॉपर चलाना है, बीच में रुकना नहीं है, वरना जो कलर है वो कहीं पर लाइट और डार्क हो जाएगा। अब इस स्टेज पे क्या करना है, स्टेज पे दूध डालना है सिवइयों को सॉफ्ट करने के लिए। दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक जगह पर नहीं डालना है, चारों तरफ फैला कर डालना है। देखिए, चलाएंगे, फ्लेम को जो है वो हाई कर देंगे। देखिए, जितनी जरूरत लगेगी जरूरत के मुताबिक दूध डालना है, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, हमें जितनी जरूरत लगेगी हम उतना दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और उसको चलाते जाइए। अब इसकी वीडियो स्किप ना करें, प्रॉपर देखिए पूरी वीडियो। देखिए, फ्लेम हाई है और दूध को सुखाना भी है, इसलिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि दूध भी अच्छा से सूखता जाए, ताकि हमें ये पता चलता जाए कि और हमें और कितने दूध की जरूरत है। जो गुलथियां पड़ रही हैं, इसे जब हम इसे निकालेंगे अपने पतीले से तो हाथों से हमें फोड़नी होंगी इसकी गुलथियां। थोड़ा सा दूध और जाएगा। Thank you.
चारों साइड से चलाते हुए दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं भी लो कर दूंगी, आप हाथ से उठाकर देख सकते हैं इस तरह से। अगर ये देखिए, थोड़ा केयरफुली करिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए इससे वो सॉफ्ट लग रही है और देखने में भी लग रहा है कि चारों तरफ से सीने जो है वो सॉफ्ट हो गई है दूध में। थोड़ा सा जो किनारा बचा हुआ है उसमें भी दूध डाल रही है। ये देखिए पूरी सिलाई अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। फ्लेम को मैंने अभी भी हाई रखा है। अभी मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए मैंने आधा लीटर दूध लिया था। ये देखिए आधा लीटर दूध था जिसमें तकरीबन इतना दूध बचा हुआ है, बाकी सारा दूध लग गया है। ये दूध हम चाशनी में यूज कर लेंगे। अब ये सारी सिवई को हम एक बड़े काले बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए आप इस तरह की बड़ी थाली सिवई लेंगे। यहाँ पे हरी इलायची है, चार हरी इलायची है जिनके दाने मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए छोटा इमाम जस्सा लिया मैंने, इसमें इसका पाउडर बना देंगे। ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये आधा किलो शक्कर है। आप बराबर शक्कर डालिए, अगर आधा किलो सीवी है तो उसमें आधा किलो शक्कर डालिए। अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप आधा किलो से शक्कर से थोड़ा सा कम डालिए, बट ज्यादा मत करिए क्योंकि बहुत अच्छा खासा हो जाता है मीठा, इतनी मिठास काफी है। तो चलिए देखिए इसमें आधा कटोरी घी डालेंगे। मैंने पहले सिवैयों को भूनने के लिए कटोरी घी डाला है, चाशनी के लिए आधा कटोरी, यानी टोटल हमारा डेढ़ कटोरी घी जाएगा आधा किलो सिवई में। मुझे इलायची पाउडर रखा था उसे डाल देंगे। सेकेंड के लिए ऐसे घी में छोड़ देंगे इलायची पाउडर को। ये देखिए थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गया, ज्यादा देर नहीं रखना है घी में। अब ये शक्कर डाल देंगे, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये जो मैंने आधा लीटर दूध लिया था उसमें जो दूध बचा है वो तो दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमें थोड़े और दूध की जरूरत है। यहाँ पर मैंने एक कप दूध और लिया है, मैं आधा ही कप दूध डाल रही हूँ क्योंकि फ्लेम को लो रखना है और जब तक हमारी शक्कर पूरी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है कि बराबर प्रॉपर चलाते रहना। ये देखिए शक्कर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब तक पूरी तरह से शक्कर हमारी मेल्ट नहीं हो जाती है तो प्रॉपर चलाते रहना है। ये देखिए तकरीबन आधी शक्कर मेल्ट हो चुकी है, अभी 50% शक्कर मेल्ट होना बाकी है। देखिए अब इस स्टेज से क्या करेंगे, ये मैंने दूध बचाया था ये सारा दूध मैं डाल देंगे। फिर से तब तक चलाएंगे जब तक शक्कर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। ये देखिए ऑलमोस्ट जो शक्कर है वो मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए बस थोड़े से ही दाने जो है वो बच रहे हैं, इवन 10% जो है शक्कर वो बची है अभी मेल्ट होना। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, बट आपको चलाना तब भी है प्रॉपर चलाते रहना जब तक चाशनी तैयार नहीं हो जाती है, तब तक आपको चम्मच रोकना नहीं है। देखिए जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है ये सिवई जो है वो ठंडी हो गई है जो हमने भून कर निकाली थी। अब इन्हें हाथ से हमें अच्छे से फोड़ना है।
ताकि एक भी गुंथिया ना रहे इसमें। इस तरह से ये देखिए मसाला नहीं है, सिर्फ जो गुलठियां हैं उन्हें फोड़ना है। इसे फोड़ के हम रख लेंगे जब तक हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। देखिए मैंने हाथ से इसकी जितनी भी गुलठियां थी मैंने सब उन्हें अच्छे से फोड़ दी है। ये देखिए अब इसमें एक भी गुलठियां नहीं है। ये करना बहुत जरूरी है, वरना जब चाशनी में हम इसे डालेंगे तो ये सिमई देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि बीच बीच में गुलठियां रहेंगी। तो प्लीज आप लोग ये जरूर कीजिए। ये देखिए मैंने सारी सिमई को अच्छे से फोड़ लिया है, पूरी सिमई एक जैसी हो गई है, एक भी लम्स एक भी गुलटियां नहीं है इसमें। चलिए हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। देखिए चाशनी जो है वो पकना शुरू हो गई है, शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखिए अब शक्कर के दाने बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से पकाना है। इसमें एक तार की चाशनी चाहिए होती है, सिर्फ एक तार की हल्की सी चाशनी। जैसे ही वो तैयार होती है बस इसमें हम अपनी सिमई डालना शुरू कर देंगे। चलिए चाशनी देख लेते हैं। ये देखिए ये एक तार बन रहा है हल्का, पूरा तार नहीं बनने देना। ये देखिए जैसे एक तार आ रहा है, ऐसी ही चाशनी चाहिए। इसका मतलब हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए 8-10 सेकंड के लिए हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए ये खोया है, ये होममेड खोया है। इस स्टेज में थोड़ा खोया चाशनी में डाल देंगे। बाकी का खोया मैंने रख लिया ऊपर से डालने के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए। ये मैंने थोड़ा डाल दिया। इस पर थोड़ी थोड़ी सिमई डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। सारी सिमई एक साथ नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी वाली सिमई भी डाल देते हैं। इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कम डालना है आप कम डालिए, आपको ज्यादा डालना है आप ज्यादा डालिए। बस खोया डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अभी ये गीली है, बट इसे थोड़ी देर रखने पे ये जो भी सिमई है सारा चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी, तभी थोड़ी सूख जाएगी। देखिए सिमई हमारी रेडी है और ये जैसे ही सूखती है थोड़े टाइम के लिए आधे घंटे के लिए मैं ऐसे रख दूंगी। जैसे ही ठंडी होती है सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसका टेक्सचर कैसा आता है। ये देखिए जो चाशनी थी सिमईयों ने अच्छे से चाशनी को सोख लिया है। चलिए देखिए फ्रेंड्स हमारी सिमई रेडी है, अब इसे गार्निश करते हैं। बट आज मैं इसे अकेले गार्निश नहीं करूंगी, आज कोई हेल्प कराएगा मेरी गार्निशिंग में। सो कैन यू गेस, मीट माय स्वीटी, ये मेरी बेटी है हिबा, जो कुकिंग में मेरी बहुत हेल्प करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हिबा आज आप क्या करने वाली हो? आज जो मम्मा ने डिश बनाई है उसे मैं गार्निश करूंगी। एग्जैक्टली, आज हिबा मेरी हेल्प करेगी गार्निशिंग में। तो हिबा क्या क्या है आपके पास बताएं? मैं
I have some dry fruits and khoya. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए आप पहले क्या डालोगे? पहले मैं खोया डालूंगी. देखिए पहले हिबा खोया डालेगी. चलिए आपको देखिए हिबा कितने अच्छे से बताएगी गार्निशिंग कैसे करते हैं. देखिए पूरे में हिबा ने स्प्रिंकल किया खोया. वेरी गुड. थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट्स. अब ड्राई फ्रूट्स वाओ. नाउ नेक्स्ट चलिए खोया और डालते हैं हिबा. खोए से और गार्निश करते हैं इसे. वेरी गुड. ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हिबा. और खोया स्प्रिंकल कीजिए. देखिए साइड्स अभी बाकी है. वेरी गुड. अभी बार इसमें क्या डालने वाली है? अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट. थोड़ा ड्राई फ्रूट्स. देखिए मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे. पिस्ता और चिरौंजी मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दिया था. अभी हिबा उस पर ही गार्निशिंग कर रही है. वाओ वेरी गुड. लुकिंग सो यम्मी. देखिए हिबा ने कितना अच्छा इसे गार्निश किया है. कितनी खूबसूरत लग रही है. और ये और भी ज़्यादा मीठी हो गई होगी क्योंकि इसे मेरी हिबा ने गार्निश की है. प्लीज़ फ्रेंड आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा. अच्छा उससे पहले मैं हिबा को ट्राई कराती हूँ. एक्चुअली हिबा आज हमारे साथ रोज़ा थी इसलिए ये वीडियो मैंने इफ्तार के बाद शूट किया है. चलिए सबसे पहले हिबा को ट्राई कराते हैं बिकॉज ये हिबा की फेवरेट डिश है ना हिबा? यस हिबा की फेवरेट डिश है. चलिए हिबा हम लोगों को टेस्ट करके बताएगी कि सेवी कैसी है. कैसी है हिबा? बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी है. देखिए सिमी बहुत टेस्टी है और ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है हिबा ने से गार्निश की है. तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइए. अच्छा इसकी एक सिमी की स्पेशलिटी ये भी है आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. टेंशन नहीं है. गेस्ट आ रहे हैं आपको खुद को खाना है. आप एक बार बना के इसे स्टोर कर दीजिए. 3 से 4 दिन तक आराम से खाते रहिए. अगर आपको मेरी मम्मा की डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए.